आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर के हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद भी आप उसके हिस्ट्री को कैसे देख पाएंगे कि आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में कि कौन कौन सा वेबसाइट को यूज किया है, कौन कौन सी वेबसाइट को आपने ओपन किया है, क्या देखा है क्या नहीं देखा है, ये सारी हिस्ट्री आप कैसे देख पाओगे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर के हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद भी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेस और मेरे यूट्यूब चैनल सीक्वल टेक का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि मतलब जिस भी ब्राउज़र का आपको मतलब एक्टिविटी चेक करना है, फिर आपको जिस भी ब्राउज़र का मतलब जो हिस्ट्री होता है उसको डिलीट करके उसको चेक करना है कि आपने कौन से मतलब क्या सर्च किया है क्या सर्च नहीं किया है। तो आपको सिंपली उस वाले ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। आपको जिस भी ब्राउज़र का चेक करना है आप आसानी से उसको ओपन कर लीजिएगा। तो फिर क्या करना है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हिस्ट्री में क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी मेरे पास हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, पूरा क्लीन चीट है। ठीक है, फिर मेरे को बैक आ जाना है। देन यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है, इसमें एग्जांपल के लिए फेसबुक लिख के टाइप सर्च कर दे रहा हूँ। फिर मैं बैक आ जा रहा हूँ, ठीक है, कट करके। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मेरे हिस्ट्री में सेव हो गया होगा। फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन इसे मैं क्लीन डाटा करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये भी जो मेरा हिस्ट्री है पूरा क्लीन हो रहा है, पूरा डिलीट हो रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप फिर भी आप चेक कैसे कर पाओगे कि आपने अभी क्या सर्च किया था। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो भी मैंने अभी सर्च किया था फेसबुक लिख के वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है और यहाँ पे अभी कोई भी हिस्ट्री नहीं है। तो मैं आपको फिर भी चेक कर दिखाता हूँ कि मैंने अभी क्या चेक किया था, मतलब यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया था। यहाँ पे मेरे को टाइप करना है सर्च में जाके चेक माई एक्टिविटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा, जिसमें क्लिक करूंगा कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मेरे सामने खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब यहाँ पे फर्स्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है वेलकम टू माई एक्टिविटी, आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, फिर आप देख सकेंगे थोड़ा सा आप नीचे को आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिख के आ चुका है यहाँ पे कि एड मैंने अभी सर्च यहाँ पे सॉरी ये रहा आपका है ना google.com, मैंने अपने गूगल से क्या क्या सर्च किया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू 7 मोर आइटम, मतलब कि और भी है जो कि मैंने पहले सर्च कर रखा है। मुझे इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले फेसबुक सर्च किया था, फिर उसके बाद मैंने से एक्टिविटी सर्च किया वो भी आ गया, और उसके पहले मैंने क्या क्या सर्च किया आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर मैं आपको बैक करके फिर यहाँ पे ले आऊँ तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने अपने फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन को यूज किया है वो भी यहाँ पे सारे हिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। तो सेम यही ट्रिक अब भी यूज करके आसानी से अपने हिस्ट्री को चेक कर पाएंगे अपने हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद भी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो अपनी ओर से एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को कल सब्सक्राइब साथ ही कल बेल आइकन को प्रेस करके इस तरह की नई वीडियो के अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे।